आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज KGF चैप्टर 2 के लिए अप्रैल 14 का रास्ता एकदम साफ कर दिया है टॉलीवुड फिल्मों ने, यानी कि तेलुगु फिल्मों ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट कुछ ऐसे तय की है कि वो किसी भी हाल में रिलीज ना हो सके KGF चैप्टर 2 के साथ या उसके आसपास। क्या है माजरा, चलिए मैं बताता हूँ। KGF चैप्टर 2 का बस चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, इस इंडिया के किसी भी कोने में इस फिल्म का बस ऐसा है जिसके आसपास कोई फिल्म का बस अभी तक पहुंचा नहीं है, और आसपास कहीं नजदीक भी अगर कहीं कोई फिल्म जाती है फिलहाल तो वो है पुष्पा फिलहाल, क्योंकि पुष्पा का भी बस बहुत ही स्ट्रांग तरह से बढ़ाया था, बस कोई और फिल्म का बस इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कभी। KGF चैप्टर 2 के लिए जनता जनार्दन वेट कर रही है। तो इस फिल्म का बस साउथ में स्पेशली टॉलीवुड में भी इतना ज्यादा है कि अपनी फिल्मों की रिलीज उन्होंने अनाउंस की है और KGF चैप्टर 2 के साथ क्लैश करने से काफी दूर चली गई है। इवन RRR 28 अप्रैल को आने वाली थी, चांसेस था उसका, दो ऑप्शंस था, तो वो उसने चूज किया कि वो KGF चैप्टर 2 के पहले आए, क्योंकि वो नहीं चाहते ही कि KGF चैप्टर 2 के आसपास आके किसी तरह से उनकी फिल्म को कोई दिक्कत हो। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RRR और KGF चैप्टर 2 इतनी बड़ी फिल्म है, इन दोनों का अगर एक मंथ का गैप नहीं रहा तो दोनों ही फिल्मों को दिक्कत आएगी। अब मैं बात करता हूँ बहुत सारी और चीजों के बारे में, और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि वापस से KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट आपको पता है अप्रैल 14 है। यहाँ पर जो फिल्म है बिमला नायक वो 1 अप्रैल को आने के लिए तैयार है, कन्फर्म बिमला नायक 1 अप्रैल को आने वाली है। उसके अलावा अप्रैल 8 उस दिन कोई फिल्म अभी तक शेड्यूल नहीं की गई है, क्योंकि उनको पता है कोई भी बड़ी फिल्म अगर आएगी अप्रैल 8 को तो उसके एक हफ्ते बाद उन्हें भिड़ना पड़ेगा KGF चैप्टर 2 से, जो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यानी कि सीसी बाद एक हफ्ते में कोई फिल्म बहुत ज्यादा कमाती नहीं है, दूसरे हफ्ते अगर KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म है तो कोई उनकी फिल्मों को क्यों देखेगा। इसीलिए KGF चैप्टर 2 से एक हफ्ते पहले कोई भी टॉलीवुड फिल्म अनाउंस नहीं है फिलहाल, तेलुगु फिल्म। इसके अलावा दूसरी बात, एक और डेट है अप्रैल 22 जो KGF के एक हफ्ते के बाद डेट है, उस दिन भी किसी टॉलीवुड फिल्म ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। नो तेलुगु फिल्म्स इज रिलीजिंग ऑन अप्रैल 22, यानी KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल के एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद कोई फिल्में रिलीज नहीं है, क्योंकि सबको पता है KGF चैप्टर 2 एक ऐसी सुनामी है जो सबको खाक कर देगी, ठीक है। और यहाँ पर जो और फिल्मों की रिलीज डेट है, जैसे कि F3 है, वेंकटेश सर की F3 फिल्म अप्रैल 28 को तय की गई है। आचार्य फिल्म जो है चिरंजीवी गारू सर की 29 अप्रैल को, यानी कि F3 और आचार्य इन दोनों में क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, और ये दोनों क्लैश नहीं होंगी ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आचार्य के मेकर्स तो नहीं, लेकिन F3 वाले शायद अपनी रिलीज डेट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पीछे मुझे लगता नहीं करेंगे, आगे ही करेंगे। एक और फिल्म है रामा राव ऑन ड्यूटी, रवि तेजा की फिल्म है ये, 25 मार्च को इस फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस था, लेकिन RRR के आने के बाद अब ये फिल्में जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से बयान आया है कि वो अब अपनी फिल्में 25 तारीख मार्च को या फिर 15 तारीख अप्रैल को ला सकते हैं। तो 25 तारीख मार्च को नहीं ला सकते क्योंकि RRR है, और 15 तारीख अप्रैल को भी नहीं ला सकते क्योंकि KGF चैप्टर 2 है, तो वो भी फिल्में अपनी प्रीपॉन्ड या पोस्टपॉन्ड करेंगे। यानी कि यहाँ पे टॉलीवुड ने खुला रास्ता या हरी झंडी दे दी है KGF चैप्टर 2 को, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद कोई फिल्में रिलीज नहीं हो रही KGF चैप्टर 2 से, टू के हिसाब से, जिसका मतलब साफ है कि KGF चैप्टर 2 का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि पूरे टॉलीवुड वाले शॉक में पड़े हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एकदम शॉक में है, वो अपनी फिल्मों को KGF चैप्टर 2 के आसपास भी रिलीज नहीं करना चाहती है। इसलिए KGF चैप्टर 2 के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद कोई टॉलीवुड फिल्म, कोई तेलुगु फिल्म रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि KGF एक ऐसी आंधी है जो उनको बाहर कर ले जाएगी, ये साफ पता चल रहा है। सो KGF चैप्टर 2 has already started showing its dominance on the big screen, and it is very much true कि जब KGF चैप्टर 2 आएगी तो तेलुगु फिल्म के साथ उसका एक भी क्लैश नहीं होने वाला है। अब रहा सवाल यहाँ पर हिंदी मार्केट का,
तो क्या लाल सिंह चड्ढा क्लैश करेगी या फिर वो भी आगे या पीछे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि तेलुगु मार्केट ने अपने हाथ खड़े कर दिए है, बोल रहे कि आपको जो भी करना है करो, हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम आपके साथ क्लैश नहीं करने वाले। तो दिस इज अ बिग थिंग दोस्तों, ये खबर बड़ी डिफरेंट है लेकिन बड़ी अच्छी है, आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।